हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रवीण शुक्ला और करता हूं आपका स्वागत हिंदुस्तानी हेल्पर के क्यूएनए सेशन के 20वें एपिसोड में। जी हां दोस्तों, क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज का ये हो रहा है 20th एपिसोड और इसमें मैं करता हूं आपका स्वागत और मैं आज आपके सारे क्यूरीज का आंसर देने वाला हूं जो कि आपने पूछा था पिछले क्यूएनए मतलब कि क्यूएनए 19th में। उससे पहले दोस्तों मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं क्योंकि 2-3 हफ्तों से मैं क्यूएनए के एपिसोड्स नहीं दे रहा हूं आपको, लेकिन आप देख रहे होंगे कि सेटअप नया है और अब जाके मेरा स्टूडियो कंप्लीट हो चुका है और अब मैं आपको रेगुलरली वीडियोस दूंगा। तो आपको हर सैटरडे को मिलेगा Q&A का एपिसोड और हर संडे को सुबह 9 बजे मैं आऊंगा लाइव, तो आप मुझे वहां भी कैच कर सकते हैं और अब आपको वीडियोस रेगुलर मिलने लगेंगी। तो आइए बिना कोई और देरी किए आपके क्वेश्चंस को छड़ी को पेश करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो पूछा है अकाउस्टिक आकाश ने, भाई स्पॉन्सरशिप कितने सब्सक्राइबर के बाद मिलता है? तो अकाउस्टिक आकाश जी, स्पॉन्सरशिप पाने के लिए आपके पास कोई वैलिडेट अमाउंट ऑफ सब्सक्राइबर्स नहीं होने चाहिए, कोई नंबर लिमिटेशंस नहीं है। आपके हो सकता है 5000 सब्सक्राइबर है तब जाके आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाए, हो सकता है कि आपके 200,000 सब्सक्राइबर है फिर भी आपको स्पॉन्सरशिप ना मिल रही हो। मैं अपनी बात करूं तो मुझे 25,000 सब्सक्राइबर पे पहली स्पॉन्सरशिप मिली थी और फिर उसके बाद से कंटिन्यूअस स्पॉन्सरशिप मिलती आ रही है। तो ये डिपेंड करता है आपके चैनल के पॉपुलरिटी पे, डिपेंड करता है कि आपके चैनल पे किस टाइप के व्यूवर्स हैं और डिपेंड करता है जो कंपनीज हैं, जो मार्केट है, जो ब्रांड्स हैं वो कैसे डील करना चाहते हैं और ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उनको ईमेल लिखते हैं। स्पॉन्सरशिप के ऊपर मैंने पूरा वीडियो बनाया है, आप उसको चेक कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो मी फोर टेक ने पूछा है, गाइस सेकंड क्वेश्चन हाय, इस वीडियो में आई थिंक आप भी फेस करते हो, फेस मतलब आपका फेशियल? तो मैं कुछ फेशियल वगैरह नहीं करता हूँ, ये नेचुरल है और थोड़े एकन्स वगैरह हैं तो आई लाइक टू बी नेचुरल, मैं कोई फेशियल वगैरह नहीं करता हूँ। सुमाना दास कहती हैं, भाई आप मुझे प्लीज बताओ रिफर ना करके ऐप या कोई वेबसाइट में एक अच्छा पैसा कैसे कमाऊं? बिना रिफर किए, ये जो फालतू के चीज होते हैं रिफर करने वाला, इसमें तो पैसे आप कभी कमा ही नहीं सकते, रिफर करने से पैसे कमाना भूल जाइए। हो सकता है कि आप $5-10-$20 कमा सकते हैं टेम्परेरी बेसिस पे, पर इससे एक रेगुलरली अर्निंग नहीं हो सकती है। अगर आपको रेगुलरली अर्निंग करनी है तो आपको शुरू करनी पड़ेगी कोई वेबसाइट, ब्लॉग, यूट्यूब चैनल या फिर एफिलिएट के लिंक्स, तो फिर ये सारी चीजें शुरू करिए, यहाँ पर आप जाके स्टेबल अर्निंग कर सकेंगे ऑनलाइन। मैंने इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बनाई है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अमन तमरकर ने पूछा है, पेटीएम में रिजर्वेशन टाइम इंश्योरेंस करना जरूरी है क्या? तो हाँ, पेटीएम में रिजर्वेशन टाइम इंश्योरेंस करना बिल्कुल जरूरी है, आपको टाइम का ध्यान रखना पड़ेगा। शानी टीवी पूछते हैं, भाई यूट्यूब पर व्यू कैसे बढ़ाते हैं? मैं आपको इसका जवाब आगे दूंगा। मालिक फहीम पूछते हैं, भाई हम जो वीडियो कॉल करते हैं व्हाट्सएप पे या IMO पे, क्या उसकी कॉल रिकॉर्डिंग होती है? तो मुझे नहीं लगता कि नहीं होती है क्योंकि वो कहीं नहीं सेव होती है, मैंने अपने पूरे मोबाइल का SD कार्ड चेक कर मारा, कहीं सेव नहीं होती है, आप निश्चिंत रहें। गौरी शंकर स्वामी पूछते हैं, बेस्ट टेक्निकल चैनल कौन सा है? तो बेस्ट टेक चैनल इंडिया में है टेक्निकल गुरु जी, गीकी रंजीत, शर्मा जी टेक्निकल, C4E टेक वगैरह, और पूरे वर्ल्ड की बात करें तो आप पाएंगे अनबॉक्स थेरेपी या फिर MKBHD वगैरह को, ऑस्टिन इवांस, ये सब काफी पॉपुलर हैं। बढ़ते हैं अगले के चैनल की ओर। तो गुड्डू पूछते हैं, रेडमी 4 में एंड्रॉयड 7.0 का अपडेट कब तक आएगा? तो मेरे पास भी रेडमी 4 है, इसमें अभी तक अपडेट नहीं आया है और मुझे नहीं लगता जल्द ही आने वाला है, क्योंकि अगर रेडमी ऐसा करता है जल्द ही अपडेट देगा तो उसके लेटेस्ट स्मार्टफोन लोग नहीं खरीदेंगे जिसमें एंड्रॉयड 7.0 का सपोर्ट रहेगा। मोहम्मद अमान पूछते हैं, भाई सब्सक्राइबर्स और व्यूज कैसे बढ़ाते हैं? तो इसका सवाल एक लोगों ने पहले भी पूछा था, मैं इसका जवाब आपको आगे दूंगा। निवेश मोदी पूछते हैं, भाई आपने YouTube कब शुरू किया था और 1,00,000 करने में कितना टाइम लगा था? तो 1,00,000 सब्सक्राइबर करने में मुझे लगा था करीब 9 महीने और मैंने चैनल शुरू किया था अप्रैल 2016 में। हालांकि चैनल शुरू हो गया था 2014 में ही, पर एक्टिवली मैं वीडियोस पोस्ट कर रहा था अप्रैल 2016 से, और उतना भी एक्टिवली नहीं था, हफ्ते में एक वीडियो, महीने में 2 वीडियो पोस्ट करता था। असली में चैनल मैंने शुरू किया था नवंबर 2016 में, मतलब कि तब जाके मैं रेगुलर हो गया था, 2-3 दिन में एक वीडियो आपको देने लगा था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो पूछते हैं, गीकी हैक गुरु, कैन वी मेक मनी विदाउट एड्स ऑन यूट्यूब? तो डेफिनेटली यू कैन मेक मनी विदाउट एड्स ऑन यूट्यूब। अगर आपका यूट्यूब में मोनेटाइजेशन बैन हो गया है तो आप स्पॉन्सरशिप के लिए जा सकते हैं, एफिलिएट लिंक के लिए जा सकते हैं, वहां पर आप काफी पैसा बना सकते हैं। जागू गढ़वी पूछते हैं, भाई तेरी इस महीने की इनकम कितनी हुई है, प्लीज बताना, यूट्यूब से कितना कमाते हो प्लीज बताना। तो अ गर्ल हिज एज एंड मैन हिज सैलरी नेवर रिवील्स, तो ये इंप्लाई होता है। अलागढ़ भी पूछते हैं, प्रवीण तेरे चैनल को ग्रो करने में कितना टाइम हुआ और कैसे ग्रो हुआ, बताओ कौन सी वीडियो वायरल हुई? तो मैंने बता दिया कि मेरा चैनल कब शुरू हुआ था और कब मैंने 1,00,000 सब्सक्राइबर पाए थे, और 1,00,000 सब्सक्राइबर से याद आया।
यहाँ आई बटन पे क्लिक कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो कीजिए या फिर अंत में एंड स्क्रीन देखिएगा। और आप पूछते हैं कि कौन सी वीडियो वायरल हुई, तो मेरी जियो एयरटेल वगैरह के ऊपर काफी वीडियो वायरल हुई जिसमें मैंने काफी ट्रिक्स बताए थे आपको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आर्यन राय पूछते हैं ब्लू व्हेल गेम के बारे में जानते हो क्या, सोशाइडियल गेम है? तो जी हाँ, ब्लू व्हेल गेम आजकल काफी पॉपुलर है। इनफैक्ट ये खेला नहीं जा रहा है बल्कि ये सुर्खियों में है क्योंकि इस गेम की वजह से कई सारे लोग सुसाइड कर रहे हैं। ये गेम ऐसा है, आप इसको इंस्टॉल करते हैं अपने फोन में, ये आपको रेगुलरली कोई टास्क देता जाएगा, जैसे कि ये कहेगा नाचो, जैसे कहेगा गाना गाओ, जैसे कहेगा जंप करो, और फिर ये धीरे धीरे टास्क की इंटेंसिटी बढ़ाते जाता है, वो डेंजरस करता जाता है। जैसे कि फिर कहने लगेगा एक आध महीने बाद कि फिर अपना नस काटो, फिर नस काट के उसकी फोटो भेजो एडमिन को, या फिर अपने छत से छलांग मारो, या फिर अपनी सुसाइड कर लो। और फिर पता नहीं लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। और मैं ब्लू व्हेल खेल के आपको जल्द ही दिखाने वाला हूं, अगर आप एक्साइटेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो खिलेंद्र सिंह पूछते हैं भाई मेरे मोबाइल में रैम अवेलेबल 113 MB है और फोन स्लो चल रहा है, तो रैम अवेलेबल MB कैसे इंक्रीज करें बताओ। तो अगर आप ढेर सारे ऐप्स चला रहे हैं तो डेफिनेटली आपका रैम ज्यादा जाएगा, और अगर आपको रैम फ्री करना है तो आपको जो ऐप्स हैं उनको बंद करने पड़ेंगे जो कि आप यूज नहीं करते हैं। और ये मैं कोई नई बात तो बता नहीं रहा हूं आपको, इसलिए आपको डिटेल जानकारी के लिए मेरी वो वीडियो चेक करनी पड़ेगी जिसमें मैंने आपको रैम के बारे में समझाया है, तो फिर आप सर्च कीजिए यूट्यूब पे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बैड बॉयज कंपनीज कहते हैं भाई मेरे अकाउंट में $4 था बट अब फिर से $1 हो गया है, मैं यूट्यूब पर टाइम नहीं दे पा रहा हूं। तो देखिए ये पीरियड हर यूट्यूबर के लाइफ में आता है, शुरू में कुछ अर्निंग नहीं होती है। मेरे भी एक टाइम थे कि $1 अर्निंग थी, फिर $4 हुई, फिर $10, और फिर ऐसे ही बढ़ती गई। तो इसमें फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, आपको किसी न किसी तरह थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा यूट्यूब पे। साइमल्टेनियसली वर्क कीजिए अपने पढ़ाई के साथ, आप यूट्यूब कैरी ऑन कीजिए या फिर कोई भी जॉब अगर आप कर रहे हैं तो यूट्यूब को थोड़ा 1-2 घंटे का समय दीजिए, यूट्यूब ज्यादा टाइम नहीं मांगता आपसे। आरिफ शाइक पूछते हैं भाई MI7 में कब तक आएगा, चाइना में लॉन्च हो चुका है, यहाँ कब तक आएगा? तो MI7 देखिए, MI6 आ गया है इंडिया में, और मेरे हिसाब से MI7 को आने में आई थिंक 1.5-2 महीना का टाइम और लगेगा। और MI7 के कंपैरिजन में काफी अच्छे अच्छे फोन्स हैं मार्केट में, जैसे कि OnePlus 5 या 3T। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो टेक्निकल इंडिया पूछते हैं भाई मैं बोल रहा हूँ कि मेरे YouTube मिस्टर बहुत वीडियो अपलोड किए हैं लेकिन मेरे ऑल वीडियोस पब्लिक होने के व्यूज बहुत कम आ रहे हैं। वैसे आप काफी अच्छी इंग्लिश लिखते हैं। तो देखिए आप में से 3 लोगों ने पूछा कि व्यूज किस तरह से बढ़ाते हैं, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि व्यूज किस तरीके से बढ़ाते हैं। मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं कि ट्रेंडिंग टॉपिक कैच करिए। जी हाँ दोस्तों, अगर मान लीजिए अभी चल रहा है ब्लू व्हेल, तो आप ब्लू व्हेल के ऊपर वीडियो बनाइए क्योंकि इस समय ब्लू व्हेल के बारे में लोग सर्च कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए जियो फोन चल रहा है तो उसके बारे में वीडियो बनाइए क्योंकि लोग उसके बारे में सर्च कर रहे हैं। तो एक बार आप ऐसा करते हैं तो आपके पास काफी ज्यादा ऑडियंस आ जाती है अगर आपकी वीडियो थोड़ी चल पड़ती है। अगर आप 10 वीडियो बनाते हैं तो 1-2 वीडियो तो पक्का चलेंगी, तो ऐसा करने पे आपके पास थोड़े व्यूवर्स कलेक्ट हो जाते हैं, और जब आपके पास व्यूवर्स आ जाते हैं तो आप उनको नई नई वीडियोस दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो ट्रेंडिंग हो। तो आपको शुरू में ऐसा करना पड़ता है कि ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे वीडियो बनाना पड़ता है, तो आप इससे काफी अच्छे व्यूज पा सकते हैं। और मुझे लगता है कि एक शॉर्टकट है, मैंने आपके साथ एक शॉर्टकट शेयर किया है, तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो सुखविंदर सिंह पूछते हैं गेम की वेबसाइट बताओ। तो देखिए एक्चुअली गेम को डाउनलोड करना इलीगल है, मतलब कि जो पेड गेम्स होते हैं जैसे कि GTA 5 या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह, तो ये इनको ऐसे डाउनलोड करना इलीगल है। आपको कोई ऐसी साइट नहीं मिलेगी जहां पर आसानी से आप इसको डाउनलोड कर सकें, वहां पर लोग बेवकूफ बनते हैं क्योंकि वो जो वेबसाइट वाले हैं वो एड्स दिखा के पैसा कमाना चाहते हैं, आपको लालच देते हैं गेम डाउनलोड का। आप इस्तेमाल कर सकते हैं यू टोरेंट का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो शानी टेक्निकल पूछते हैं भाई एक यूट्यूब चैनल से कितने यूट्यूब चैनल बना सकते हो, एक जीमेल आईडी से कितने यूट्यूब चैनल बना सकते हो? तो एक जीमेल आईडी से केवल एक ही यूट्यूब चैनल बना सकते हो, और एक यूट्यूब चैनल से तो एक ही यूट्यूब चैनल बनेगा ना। तो दोस्तों इस बार के Q&A सेशन में इतने ही क्वेश्चंस थे, मुझे उम्मीद है कि आपको आपके क्वेश्चन का सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिल गया होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका क्वेश्चन शामिल हो Q&A के अगले एपिसोड में, तो इस वीडियो के कमेंट सेशन में जरूर से लिख दीजिए अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से हो सकते हैं, चाहे मेरे ऊपर, चाहे यूट्यूब के ऊपर, चाहे इंटरनेट टेक्नोलॉजी, और मैं कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चन की सेटिस्फैक्ट्री आंसर देने की। तो इस वीडियो में इतना ही था, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको फिर से याद दिला दूं कल संडे को सुबह 9 बजे मैं आऊंगा लाइव, तो आप वहां पर आ सकते हैं, मुझसे लाइव बातें करिएगा, मुझे काफी अच्छा लगेगा, आप मुझसे क्वेश्चन पूछिएगा और मैं आंसर दूंगा। इस वीडियो में इतना ही था, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए चलता हूं, बाय।